जब जब गुरु जी महाराज कड़ा प्रसाद बनाने का मौका देते हैं संगत जी, तो तभी तभी मैं आपसे साझा करती हूँ कि जब भी आप गुरु जी महाराज का कड़ा प्रसाद बनाएं तो उसे ढक के बनाएं, मंत्र जाप से बनाएं और प्रेम से बनाएं। मन में कोई गलानी ना हो, मन में कोई विचार ना हो, मन में कोई भेदभाव ना हो, बस आपके हृदय में हो सिर्फ और सिर्फ सिमरन। और ये सिमरन क्या है? सिमरन है कि सोते जागते उठते बैठते प्रभु गुणगान, गुरु जी का नाम, गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। क्या पता आपके इस गुरु जप मंत्र जप से कितने लोगों की तकलीफें ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लॉग्स में जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर वो आपको शो हो सके। संगत जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आंटी जी आपके सत्संग में माता रानी क्यों होती है गुरुजी महाराज के साथ, तो उनको मैं संगत जी यही जवाब दूंगी कि गुरुजी ने कभी भी कहीं मना नहीं किया कि माँ को मेरे साथ नहीं बिठाओ। संगत जी, गुरुजी ने खुद ही मेरे ड्रीम में आकर मुझे कितनी बार कहा कि शक्ति नू नाल ला के चल, और जब मुझे नहीं समझ आता था तो टेलीपैथी में गुरुजी ने मुझे बताया कि माँ वैष्णो देवी ही जो है वो मेरी शक्ति है और उसे तू अपने नाल लेके जाया कर। और मुझे कितने दिनों तक समझ भी नहीं आता था कि गुरुजी ये क्या कहते हैं, कौन सी शक्ति के बारे में कहते हैं, तो फाइनली जब अब पता चला है तो हम हर जगह माता रानी को गुरुजी के साथ लेकर जाते हैं सत्संग में। और संगत जी, कोई भी देवी देवता हमें बैर करना नहीं सिखाता, ये तो कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें फैलाते हैं, और जो लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो वो हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को कहाँ छोड़ेंगे। अभी पिछले दिनों मैंने सुना एक सत्संग में, जब किसी संगत ने माता रानी को बिठाया था तो एक आंटी ने बोला कि आप लोग यही गलत काम करते हो, इसीलिए ये गलत मैसेज दुनिया की ओर जा रहा है। भाई, उनको कोई पूछे कि आप क्या बिना माँ के पैदा हुई हो? आप भी एक माँ के गर्भ से पैदा हुई हो और ये संसारिक माँ है। अगर हम इसी को नहीं आगे लेकर जाएंगे, इसी का त्याग कर देंगे, तो संसार में हमारी वैल्यू क्या है? क्या कभी गुरुजी ने बोला कि मातरानी नू मेरे नाल नहीं बिठाओ? अगर कहीं ये गलत होता तो गुरुजी जरूर बोलते कि अनु मेरे नाल ना बिठाओ। गुरुजी ने हमेशा यही बोला मुझे, जितनी भी बार देखिए सबका अपना अपना कनेक्शन है, और मैं आपके कनेक्शन की नहीं, मैं अपने कनेक्शन की बात कर रही हूँ। मुझे कितनी बार गुरुजी ने ड्रीम में आकर बोला कि शक्ति नू नाल लाके जाया कर, इसीलिए मैं
और मेरे गुरु परिवार की जितनी भी सदस्य हैं, हम सब आंटियाँ जब भी सत्संग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले माँ को साथ लेकर जाते हैं, जो गुरु जी का हुक्म है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सभी संगतों को नहीं समझा सकते, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और जिस काम को करने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो बेफजूल बातें बनाकर आप सिर्फ और सिर्फ आस्था से खिलवाड़ करते हैं। आप लोग आस्था को बढ़ोतरी आस्था में बढ़ोतरी नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि आस्था में खलल डाल रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह की उलझलूल बातें ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और हाँ, और मेरी मदर इन लॉ कुछ बीमार थी, तो आंटी रेमो आंटी रेमो पर बैठी है, इन्होंने हमें दुखी का स्वरूप पहले ला के दिया था, तो आंटी का स्वरूप देके गई, उसके बाद हमने फ्रेम करवाया गुरु जी को। तो अभी हम जगह डिसाइड कर रहे थे कि गुरु जी को कहाँ विराजमान करवाना है, तो हमने अंदर रूम में ही अभी उन्हें रखा। तो नेक्स्ट डे मेरा बेटा आता है, ये आके मुझे बोलते हैं, मम्मा आपको पता है गुरु जी के स्वरूप में ना कुछ बूंदे हैं, इसको तो पता नहीं था। फिर हमने बाहर लाया कि मामा यहाँ पे गुरु जी की सत्संग आपके अटेंड कर चुकी है, तो मामा बोलती है तो प्रॉपर जल बच्चे क्योंकि फ्रेम के अंदर ग्लास के अंदर ड्रॉप्स थी, तो जल बच्चा से भी उन्होंने दर्शन किए। फिर अगले ही दिन उनके स्वरूप से हमें घंटियाँ भी सुनाई दी। आप बोलोगे कुछ? मैं नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? ओके इधर आ, इधर आ, चलो ठीक है, जय बस हाजिर लगवा दो, चलो जय जय गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी। और सारी आई हुई संगतों को गुरु जी महाराज लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स देकर घर भेजना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। और किसका बर्थडे आज? अंकल का। तो गुरुजी महाराज जी आपको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स दे, और गुरुजी महाराज जी का इतना आशीर्वाद हो कि दिन दुगनी रात चुगनी सभी की लाइफ में डेवलपमेंट हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय माँ, जय माता रानी, जय माता रानी। अच्छा अंकल, गुरु जी का निकाल लिया, खिलाओ पापा को, खिलाओ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों सा है मेरी ये आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुरु संगत अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे। जय गुरु जी। काफ़ी देर से मेरी मामा गुरु जी के सत्संग में करती थी, और लास्ट ईयर मामा ने कहा कि आप भी एक सत्संग अटेंड कर लो, गुरु जी का ओपन सत्संग था भाग्यपुर चर्च में, तो मामा कह रहे थे आप भी एक बार हमारे साथ चलो। तो मेरा छोटा बेटा कहने लगा कि मामा नानी सत्संग में मैं क्या करूँगा, आप मुझे बोल रहे चलने के। तो नानी ने ऐसे कहा, आप जो टॉय मांगो गुरु जी आपको वही टॉय ले लेंगे, आप चलो। हम गए, हमने सत्संग अटेंड किया, तो बाहर आके मैंने अपने बेटे से पूछा, आज आपने क्या मांगा गुरु जी से? तो उसने कहा, मामा मैंने गुरु जी को कहा कि मैं सबसे अकेला रहता हूँ तो मुझे एक बेबी चाहिए। अभी तो हमारी सोच में भी नहीं था, और बस उसी के कुछ टाइम के बाद हमारे घर छोटा भी हो गया। तो ये गुरु जी का ही गिफ्ट है, गुरु जी ने गिफ्ट दिया, ब्लेसिंग दिया आपको। शुक्राना संगत जी, और गुरु जी सभी को टाइम आने पे सारी खुशियाँ देते हैं, तो ये एक माँ का सत्संग है उन माओं के लिए जो बेसब्री से
अपनी गोदी में एक खिलौना चाहती हैं, गुरुजी के नाम की ब्लेसिंग चाहती हैं, तो इनके बेटे ने मांगा, इनको मिल गया। और आपके लिए ये सत्संग एक प्रेरणा, आपको भी जरूर मिलेगा, बहुत जल्दी आपकी गोदी भी हरी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। खुशियों की आश, विदाउट कैश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।